हेलो फ्रेंड्स, मैं नितेश कुमार आपका आपके यूट्यूब चैनल इन्वेस्ट फॉर एवर में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। सबसे पहले आप सभी को बिलेटेड हैप्पी दशहर धनतेरस एज वेल एज हैप्पी दिवाली। आज छोटी दिवाली है, कल बड़ी दिवाली है, ओके। और दोनों का दोनों दिन यहां पर अगर हम बात करें, माँ लक्ष्मी की कृपा और माँ सरस्वती की कृपा आप हम सभी पे बनी रहे, ओके। एक बुद्धि की देवी है और एक धन धान्य की देवी है, तो दोनों हमें यहाँ पर अपना आशीर्वाद प्रोवाइड करें, हमें अपना आशीर्वाद दे, यही हमेशा ब्लेस रहती है। अब बात करते हैं हम यहाँ पर किस चीज से रिलेटेड कि कल है मुहूर्त ट्रेडिंग। 6:15 बजे से 7:15 बजे तक यहाँ पर ये मुहूर्त ट्रेडिंग का टाइम चालू रहेगा। और जैसे कि लास्ट टाइम में हमने एक स्टॉक्स बताया था, अगेन आज के दिन में मैं आपको एक स्टॉक्स बताऊंगा जहां पर एक अच्छा खासा पैसा यहाँ पर बनता हुआ नजर आएगा और मैं इस स्टॉक्स में एंट्री लेने वाला हूँ, क्योंकि ये स्टॉक्स जब अब भागना शुरू करेगा और शायद यहाँ से आपके पैसे डबल करता हुआ नजर आएगा। शॉर्ट टर्म में पैसे बनेंगे, लॉन्ग टर्म में पैसे बनेंगे, तो हम इससे रिलेटेड बातें करेंगे, ओके। तो 6 महीने तो प्री ओपनिंग सेशन रहेगा और 6:15 से 7:15 बजे तक ट्रेडिंग रहेगी, ओके। और इस टाइम हम यहाँ पर एक शेयर खरीदने वाले हैं, तो कौन सा शेयर है उससे रिलेटेड हम बातें करने वाले हैं, तो उस शेयर का नाम है डीलिंक इंडिया। डीलिंक इंडिया की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले चार्ट दिखाऊंगा। यहाँ पर आप चार्ट देखेंगे और आपको यहाँ पर पता चलेगा कि एक लंबा कंसोलिडेशन यहाँ पर 2015 में इसने और अपना ऑल टाइम हाई लगाया था और उसके बाद से ये शेयर क्या कर रहा है, ये राउंडिंग बॉटम बनाने की तैयारी कर रहा है और यहाँ पर ये शेयर बिल्कुल ही आपको नीचे की तरफ यहाँ पर दिखाई दे रहा है। आपको लगेगा काफी लोगों को कि यहाँ पर ऑलरेडी एक बेहतरीन रिटर्न यहाँ पर मिल चुके हैं, बट ये रिटर्न अभी काफी नहीं है और बेहतरीन और ज्यादा यहाँ पर रिटर्न मिलने के मिलेंगे और यहाँ से पैसा शायद यहाँ पर डबल होता हुआ नजर आएगा। जिस तरीके की यहाँ पर आप देख रहे हो, 2014 में 2500 रुपए का स्टॉक्स 250 रुपए पे गया था, मतलब कितना 10 टाइम्स यहाँ पर रिटर्न मिला था। तो यहाँ से भी अगर हम यहाँ पर कैलकुलेट कर रहे थे, मुझे लगता है ये शेयर मैं डबल के टारगेट यहाँ पर केवल लेके चल रहा हूँ, कितने 400 से 500 रुपए के आसपास के। तो क्या वजह है इसके पीछे कि मैं इतने टारगेट यहाँ पर लेके चल रहा हूँ, तो सबसे पहले मैं एक एक करके सारे पत्ते खोलूंगा। लास्ट तक वीडियो में बने रहिएगा और यहाँ पर चीजों को समझने की कोशिश करिएगा। बट उससे पहले एक कोर्स लॉन्च किया है, टेक्निकल एनालिसिस और रिसर्च एनालिसिस। जैसे मैं आपको स्टॉक्स बता रहा हूँ, किस बेसिस पे बता रहा हूँ और उस बेसिस पे आप स्टॉक्स को टाइम पे खरीदे, ओके। और ना तो पहले खरीदे ना ही बाद में, जब रैली निकल जाए तब भी ना खरीदे, जब पहले यहाँ पर केवल कंसोलिडेट हो रहा हो तब भी ना खरीदे। ऐसी चीजों को सीखने के लिए हमने यहाँ पर एक कोर्स लॉन्च किया है जहाँ पर लोग 50-60 हजार और लाखों रुपए यहाँ पर पे करते हैं केवल उस कोर्स को कराने के लिए। मैं आपको फंडामेंटल, टेक्निकल, रिसर्च, सब कुछ, बेसिक्स टू एडवांस केवल 15,000 में, कोर्स कंप्लीशन, 3 मंथ्स की प्रैक्टिकल लर्निंग। कल दिवाली का दिन है, ओके। यहाँ तक मैंने यहाँ पर कोर्स रख रखा है कि अगर कल तक कोई यहाँ पर हमारे कोर्स को ज्वाइन करता है तो उस केसेस में यहाँ पर मैं आपको कोर्स कंप्लीट होने के बाद 15 डेज तक लगातार ब्रेकआउट स्टॉक्स दूंगा या ब्रेकआउट ब्रेकडाउन स्टॉक्स दूंगा जहाँ पर आपके पैसे यहाँ बनते हुए नजर आएंगे। तो 8860540501 और 8169261037 पे व्हाट्सअप कॉल मैसेज करके कॉन्टेक्ट करिए। और टेक्निकल में क्या क्या सिखा रहे हैं वो चीजें सीखेंगे तो आपको चीजें पता चलेगी क्या यहाँ पर होता हुआ नजर आ रहा है। सबसे पहले डीलिंक डेट फ्री शेयर है, 0% का डेट है, किसी तरीके का डेट नहीं है। यहाँ पर इंडस्ट्री का भी 61 का है, इसका 12 का है। वैसे पीई के बेसिस पे कभी शेयर नहीं लेने चाहिए, बट स्टिल यहाँ पर हम देखें तो शेयर यहाँ पर सस्ता नजर आता है। आरओसी आरओई कुछ खास नहीं है, आरओसी 19.5-14.6 आरओई के आसपास है, कुछ खास नहीं है, ओके। बट स्टिल शेयर को बता रहा हूँ, क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि ऐसे शेयर जब भागना शुरू करते हैं आरओई आरओसी एक साथ ही बढ़ना शुरू हो जाती है, तो ये आरओसी आरओई ऐसी चीज है। इसके अलावा हम अगर हम बात करें और कुछ चीज की, तो इसकी अगर हम देखें तो 210 का इसने हाई बनाया था, ओके। उसके बाद शेयर 203 पे यहाँ पर ट्रेड कर रहा है। फेस वैल्यू 2 की है। डिविडेंड की बात करें तो 1.48% का डिविडेंड यील्ड भी है। मैक्सिमम चार्ट पर हम देख चुके हैं कि शेयर एक कंसोलिडेशन मोड पे रहता है, भागता है, फिर कंसोलिडेशन मोड पे रहता है, फिर भागता है, तो इसी तरीके की इसकी हरकतें है, ओके। तो इसी हरकतों को इस यहाँ पर देख के हमें ट्रेड लेना है। बात करें कंपनी की, तो कंपनी का ग्रोथ सेल्स जो पुअर रहा है, कंपनी के रिटर्न की बात करें वो भी थोड़ा सा 3 साल में कम रही है, बट कंपनी का यहाँ पर देखिए डेट फ्री है, रिड्यूस किया है डेट, एक अच्छा खासा क्वार्टर दिया है, एज वेल एज डिविडेंड पे आउट यहाँ पर इनका हेल्दी है। अब मैं कुछ पॉजिटिव बातें बताने वाला हूँ, उनकी तरफ क्या करना है आपको गौर फरमाना है। कंपनी लगातार सेल्स हाईएस्ट एवर यहाँ पर प्रोवाइड कर रही है और यहाँ पर देखे तो इस बार की सेल्स 291 करोड़ रुपीज के आसपास की है, जो कि ईयरली और क्वार्टरली दोनों बेस पे अच्छी है, तो सबसे पहला पॉइंट।
दूसरा पॉइंट ऑपरेटिंग प्रॉफिट 30 करोड़ रुपीज का, जो कि क्वार्टरली ईयरली एज वेल एज पिछले 12 क्वार्टर में हाईएस्ट एवर। दूसरा पॉजिटिव पॉइंट। तीसरा पॉजिटिव पॉइंट ये है कि कंपनी का आज तक इतना मार्जिन नहीं आया जो अभी आया है, मतलब 10% का मार्जिन है, तो तीसरा पॉजिटिव पॉइंट। चौथा पॉजिटिव पॉइंट ये है कि कंपनी का नेट प्रॉफिट 22 करोड़ रुपए का जो हाईएस्ट एवर है, पिछले 12 क्वार्टर में नहीं आया। चौथा पॉइंट एज वेल एज पांचवा पॉइंट यहाँ पर देखिए ईपीएस, लगातार ईपीएस बढ़ रहा है, तो ये पांचवा पॉइंट हो गया। अब मैं आपको और रूबरू कराता हूँ। कंपनी लगातार अच्छे खासे प्रदर्शन कर रही थी, बीच में यहाँ पर एक कंसोलिडेशन मोड आया था जस्ट बिकॉज ऑफ नीचे जा रही थी चीजें, बट कंपनी लगातार यहाँ पर देखिए 128 करोड़ से 1000 करोड़ पे आ गई है, ये एक पॉजिटिव पॉइंट है। और 3 करोड़ का प्रॉफिट 58 करोड़, ये पॉजिटिव पॉइंट है। 1 का EPS 16, तो ये पॉजिटिव पॉइंट है। तो ये आपके पास 5-6 पॉइंट तो ये हो गए। इसके अलावा मैं आपको 7वां पॉइंट से नजाता हूँ, रिजर्व्स। लगातार रिजर्व्स बढ़ रहे हैं, कंपनी डेट फ्री है। ओके, ये देखिए 6ठा पॉइंट, 7वां पॉइंट, 8वां पॉइंट। इसके अलावा वर्किंग प्रोग्रेस में तो पैसे नहीं है, इन्वेस्टमेंट 63 करोड़। कैश की बात करें, कंपनी का 38 करोड़ रुपए का कैश भी है। कंपनी के डिविडेंड की अगर हम बात करें, कंपनी लगातार डिविडेंड दे रही है और डिविडेंड जैसे जैसे बढ़ता जाता है, याद रखिए मैं हमेशा बताता हूँ, अगर कोई कंपनी लगातार अच्छा डिविडेंड देती है, इसका मतलब है कि कंपनी इज परफॉर्मिंग गुड। ओके, कंपनी यहाँ पर अच्छा खासा प्रॉफिट कर रही है। तो यहाँ पर देखिए कंपनी 2020 में 2019 में 50 पैसे, 20 में 1 रुपए, 21 में 1 रुपए 80 पैसे, और 22 में कितना 3 रुपए का डिविडेंड दिया। तो इसका मतलब क्या है कि कंपनी यहाँ पर अच्छा खासा परफॉर्मेंस कर रही है। इसके अलावा डीमर्जर हुआ था, ये बाद में हुआ था, नो बोनस, नो कोई स्प्लिट यहाँ पर अभी तक दिया है। बट यहाँ पर अब मैं आता हूँ और आपको यहाँ पर चीजें बताता हूँ। प्रमोटर्स 51.02% की एज इट इज बने हुए, एक पॉजिटिव पॉइंट। दूसरा पॉजिटिव पॉइंट FIIs, FIIs के पास ना के बराबर हिस्सेदारी है, DIIs के पास ना के पास बराबर हिस्सेदारी है, छोड़ देते हैं पब्लिक। पब्लिक में देखिए 48% की हिस्सेदारी है, बट 48 में भी यहाँ पर देखिए 7.38 एक है, 3.34% एक है, 1.24 एक है, और 1.13 देखिए 1.13 की इसी क्वार्टर में हिस्सेदारी ली है किसी ने, 1.24 की अभी इसी हिस्सेदारी ली है किसी ने, और यहाँ पर एक बड़ा नाम है जिसका नाम है आशीष कचौलिया। आशीष कचौलिया से जब भी किसी पर्टिकुलर पोजिशन स्टॉक में पोजिशन लेते हैं, वो शेयर पैसे वैसे ही न्यूज में आ जाता है। 3.34% की हिस्सेदारी इस पर्टिकुलर क्वार्टर में ली है, और जब भी ये हिस्सेदारी लेते हैं तो यहाँ पर से शेयर आने वाले 6 महीने या 1 साल में पैसा यहाँ पर डबल और ट्रिपल होता हुआ नजर आता ही आता है। तो इस चीज की तरफ हमें ध्यान देना है, एज वेल एज अब क्या होता हुआ नजर आ रहा है। अब आते हैं हम चार्ट पे। चार्ट पे देखिए, सबसे पहले चार्ट पे यहाँ पर क्या नजर आ रहा है, चार्ट पे यहाँ पर साफ नजर आ रहा है कि यहाँ पर एक ब्रेकआउट ऑलरेडी हो गया है, और ये ब्रेकआउट धीरे धीरे क्या कर रहा है, ऊपर जा रहा है। तो यहाँ पर हमें एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है शेयर को खरीदने की, सबसे पहली बात। अब दूसरे पॉइंट की बात करूं तो दूसरा पॉइंट मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ कि यहाँ पर शॉर्ट टर्म टारगेट्स भी यहाँ पर बनते हुए नजर आ रहे हैं। किस तरीके के टारगेट बन रहे हैं उससे रिलेटेड हम बातें कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर एक रिवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनता हुआ नजर आ रहा है, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर एक शोल्डर बना, एक हेड बना, और फिर एक शोल्डर का इसका क्या हुआ, ब्रेकआउट होता हुआ हमें नजर आया है। इसके बेसिस पे हम टारगेट देखते हैं, तो इसके बेसिस पे आपको यहाँ पर टारगेट पता चलेगी कि कंपनी ने कितने टारगेट यहाँ हमारे लिए डिसाइड करे हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं लगभग लगभग 286, तो यहाँ से अगर आप देखते हैं तो आपको कितने परसेंट के यहाँ पर रिटर्न मिल जाते हैं, तो यहाँ पर आपको लगभग लगभग 41% के रिटर्न तो ये हो गए, जो मुझे लगता है इस पर्टिकुलर क्वार्टर में मिल जाएंगे, पहली बात। अब दूसरी बात हम बात करते हैं यहाँ पर लॉन्ग टर्म की। ओके, अब यहाँ पर आ जाते हैं, तो यहाँ पर देखेंगे आप तो 2015 में इसने हाई लगाया था 249 रुपए का। यहाँ पर देखिए 249 का इसने क्या लगाया था, हाई यहाँ पर इसने लगाता हुआ नजर आया था, और यहाँ पर चीजें अब क्या हो रही है, यहाँ तक तो जाएगी जाएगी, कंपनी लगातार अच्छा परफॉर्मेंस कर रही है, तो यहाँ पर रुकने नहीं वाली। तो सबसे पहला टारगेट आपका कौन सा हो गया, यहाँ पर हो गया ये 20% 25% का, फिर हो गया 41% का, और इसके बाद जब चीजें यहाँ तक आएगी तो दोबारा थोड़ी सी नीचे आएगी और फिर ऊपर जाती हुई नजर आएगी। तो यहाँ से क्या है, केवल तेजी, जो तेजी की मैं बात कर रहा था ना, इस चार्ट में मैंने दिखाया था कि लगातार इस तरीके से भागती है चीजें, तो यहाँ पर इस तरीके से ही चीजें भागती हुई नजर आएगी और ये फिर पकड़ में नहीं आएगी। तो दिस इज द बेस्ट टाइम, एज वेल एज यहाँ पर देखिए वॉल्यूम, यहाँ पर वॉल्यूम लगातार बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, तो ये एक सिग्नल है कि कंपनी यहाँ से अच्छा परफॉर्मेंस करेगी। एज वेल एज एक और चीज देखिए कि यहाँ पर क्या है, ये पूरा कंसोलिडेशन, ओके, ये राउंडिंग बॉटम बनाने के साथ साथ एक कंसोलिडेशन भी है। ओके, ये पूरा का पूरा क्या है, कंसोलिडेशन, और यहाँ पर इसने एक जो कंसोलिडेशन था ना, यहाँ पर तोड़ चुका था ये कंसोलिडेशन चीजें। तो हमें एक मिनट दीजिए मुझे, तो यहाँ पर देखिए चीजें तो हमें यहाँ पर बाई करनी थी,
ओके okay, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे हमें बाई करनी थी 155 पे, कोई बात नहीं, बट 50 रुपए शेयर ऊपर गया है, ज्यादा नहीं गया है। अब यहाँ से डबल के टारगेट और ट्रिपल के टारगेट यहाँ पर बनते हुए नजर आ रहे हैं। मैं इस शेयर पे क्या हूँ, बुलिश हूँ। चीजें थोड़ी सी नीचे आ सकती है, अगर चीजें नीचे आती है तो बेचने की जरूरत नहीं है, इसे होल्ड करने की जरूरत है। ओके okay, क्योंकि उसके बाद चीजें और अच्छी आएगी। अगर नीचे की बात करूं, अगर चीजें गिरती है तो यहाँ पर मुझे एक यहाँ पर नजर आता है कि चीजें यहाँ तक 164 तक आ सकती है। तो अगर मैं बात कर रहा हूँ 100% के अपसाइड की, तो थोड़ा सा यहाँ पर डाउनसाइड भी रहेगा, जो कि कितना, लगभग लगभग 20 से 25% है। तो अच्छे रिटर्न चाहिए तो ऐसे ही स्टॉक्स में बनेंगे, थोड़ा टाइम लगेगा, होल्ड करके रखना। मैं इसमें कल बाई करने वाला हूँ, मुहूर्त ट्रेडिंग है। ओके माँ लक्ष्मी की अगर कृपा रही तो ये जो हमारे टारगेट है डबल के, वो यहाँ पर आते हुए एक साल के अंदर अंदर नजर आ जाएंगे। तो बाइंग सेलिंग की कोई रिकमेंडेशन नहीं है, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर खुद की स्टडी करें। और एक चीज और बता देता हूँ, यहाँ पर देखिए 10% का मार्जिन आया है, वो भी सेप्टेम्बर बेसिस पे, और यहाँ पर अगर लास्ट टाइम दिसंबर में 5 और 6% का यहाँ पर मार्च में आया था। तो 2-3 क्वार्टर तो मुझे यहाँ पर पॉजिटिविटी नजर आती है। ओके मतलब आने वाले टाइम में ये शेयर और भागने के चांसेस रहेगा। और याद रखिए, अर्निंग के बेसिस पर ही चीजें भागती है, और यही चीजें मैं अपनी और खुल के बताता हूँ अपनी क्लासेस में। तो क्लास को ज्वाइन कर लीजिए, कल लास्ट डेट है, उसके बाद यहाँ पर एक ऑफर यहाँ पर खत्म होगा, अगला कोई ऑफर होगा तो मैं यहाँ पर आपको बताऊंगा। 1-to-1, कोई बीच में डिस्टरबेंस नहीं, आप और मैं और यहाँ पर जितनी भी क्वेरीज होगी, जितने भी चार्ट होगा, चार्ट पे यहाँ पर चीजें प्रूव करके और दिखाऊंगा मैं आपको। तो वीडियो अच्छी लगे लाइक कमेंट शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस।